वेलकम टू ब्लैक बोर्ड फ्रेंड्स, आज हम परम्यूटेशंस के पहले क्लास को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परम्यूटेशंस होता क्या है। तो डेफिनेशन होता है, अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। बिल्कुल साधारण भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब हुआ कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दे दिए जाते हैं, मानते हैं 10-20 कुछ भी ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दे दिए गए, उसमें से एक बार में आप मन करे तो टोटल ले लीजिए, जितना दिया गया सब लीजिए, या उसमें से कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप ले लीजिए और उनके सहायता से एक डिफिनिट ऑर्डर में जो अरेंजमेंट आप तैयार करते हैं दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहला थ्योरम है इसका, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर आर इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन और इक्वल टू एन एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज। मतलब कि एन आपको ऑब्जेक्ट दे दिए गए, ठीक है, उसमें से एक बार में आपने आर का यूज किया, आर कितना है तो जीरो से बड़ा होना चाहिए और एन के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, तो उस केस में जो परम्यूटेशंस बनेगा उसको एन पी आर से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला क्या होता है तो एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो मानते हैं कि आपको जीरो से लेके 9 तक का डिजिट दिया गया है, टोटल 10 डिजिट हुआ, उसमें से आप एक बार में 4 डिजिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 4 डिजिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर टोटल नंबर 10 है तो n का वैल्यू 10 हो गया, वही 4 डिजिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो r का वैल्यू 4 हो गया। इस तरीके से आप परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं। सेकंड थ्योरम है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। कह रहा है कि अब अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं और उसमें से आपने r को ले लिया, n दिए गए थे और आपने ले लिया है r को एक बार में, और अगर रिपीटेशन अलाउ किया जाए कि आप एक डिजिट को या एक ऑब्जेक्ट को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, तो उस केस में जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होता है वो होता है n टू द पावर r। ध्यान रखिएगा, पहला ये फॉर्मूला तब होता था जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था, वही जब रिपीटेशन अलाउड है तब का फॉर्मूला ये होता है। तीसरा थ्योरम है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। कह रहा है कि जितना अब आपको ऑब्जेक्ट्स दिया गया है आपने सब का इस्तेमाल कर लिया, 10 दिया गया था तो आपने 10 का इस्तेमाल करके बनाया, 20 दिया गया था तो आपने 20 का इस्तेमाल करके बनाया और n दिया गया तो आपने पूरे n को इस्तेमाल कर लिया, तो इस केस में जो परम्यूटेशंस होता है वो होता है n फैक्टोरियल के बराबर होता है। आई होप आपको ये तीनों थ्योरम क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, जस्ट जोकिंग, मैं इमरान खान का कॉपी करने लग गया था। तो सीरियस होकर अगर आगे बढ़ाते हैं तो जो आप अब एग्जांपल्स देखने वाले हैं उसमें मैंने अलग अलग टाइप्स बना रखे हैं। टाइप वन एग्जांपल जो है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चन दिया जाए और सीधे उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लाइए, ये पहला टाइप का है। उसका पहला क्वेश्चन है 5 × 4 PR इज इक्वल टू 6 × 5 PR-1। इस केस में आपको कह रहा है कि R की वैल्यू यहाँ से निकाल के बताइए। तो सिंपल है फ्रेंड्स, देखना 5 को हमने यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया, 4 PR को NPR का फॉर्मूला जो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, इस फॉर्मूला पे अगर 4 PR को ब्रेक करेंगे तो 4 फैक्टोरियल बटा 4 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। RHS में 6 वैसे ही है, 5 PR-1 को 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल करेंगे उस फॉर्मूला के हिसाब से। अब देखिएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5, ये 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा क्योंकि 5 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 5 तक का गुणा, और 4 माइनस r फैक्टोरियल वैसे ही मैंने छोड़ दिया। 6 × 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस r माइनस 1 को अगर यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ से ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा।
बचेगा क्या, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 6 माइनस आर फैक्टोरियल बटा ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल, और इस तरफ से ये 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 माइनस आर फैक्टोरियल को 4 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर लिख सकते हैं, और 4 माइनस आर फैक्टोरियल जो डिनोमिनेटर में था उसको वैसे ही छोड़ दिया, 4 माइनस आर फैक्टोरियल से 4 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बच गया क्या, तो 5 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू ये वाला यहाँ पे 6 बच गया। अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। इक्वेशन कितना होगा तो आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब आ गया ये द्विघात समीकरण। द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करने का आपका तरीका पता होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म जब स्प्लिट करिएगा तो जो आर का वैल्यू आएगा वो आएगा 3 और दूसरा वैल्यू होगा 8। द्विघात समीकरण है तो दो मिलेगा, एक होगा 3 दूसरा होगा 8। अब देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है 3। जी हाँ, इसका सही आंसर है 3। तो आप पूछोगे सर 8 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर का तो वैल्यू 3 और 8 मिला हुआ है। तो देखिए मैंने बताया था जो आर का वैल्यू होगा वो या तो n के बराबर होगा नहीं तो n से छोटा होगा। अगर इस केस में देखते हैं तो n 4 है और इस केस में n 5 है, तो अगर r का आप वैल्यू देखें तो या तो इस इधर 4 से कम होना चाहिए तो 5 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर यहाँ 8 को देखते हैं तो दोनों केस में 8 सूटेबल नहीं बैठता, इसलिए इसका आंसर 8 नहीं हो सकता है। जबकि 3 इस केस में भी फिट है, 4 से छोटा है, और इस केस में फिट है क्योंकि वो 5 से छोटा है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू 3। दूसरा एग्जांपल अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी बुक से आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, कह रहा है इफ np5 इज इक्वल्स टू 42 इंटू np3 वेयर n इज ग्रेटर देन 4, n जो है वो 4 से बड़ा है, तो कह रहा है कि n का वैल्यू कितना होगा आप बताइए। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है np5 इज इक्वल्स टू 42 इंटू np3, तो np5 को सबसे पहले npr के फॉर्मूला ब्रेक करिए। npr कितना होता है तो n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, हमने बिल्कुल शुरू में ही इस लेक्चर के इस चीज़ को देखा है। तो np5 को ऐसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 को वैसे ही रहने देते हैं। np3 को ब्रेक करेंगे तो ये n फैक्टोरियल बटा n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। अब देखिएगा दोनों तरफ n फैक्टोरियल दिख रहा है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास। अगर इस टर्म को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 3 अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल बचेगा, और RHS कितना होगा तो RHS होगा 42। अब यहाँ से n माइनस 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 3, एक एक बढ़ते चले जाएंगे, और बटा कितना है तो n माइनस 5 फैक्टोरियल जो है उसको वैसे ही रहने दिया हमने, 42 है तो उसको 7 इंटू 6 लिख लिया। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो छोटा वाला फैक्टोरियल होता है उसके टर्म में बड़े वाले को तोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ n माइनस 5 है छोटा वाला फैक्टोरियल और n माइनस 3 बड़ा फैक्टोरियल है, तो n माइनस 5 को वैसे ही रहने दिया और n माइनस 3 को हमने क्या कर दिया तो छोटे वाले n माइनस 5 के टर्म में यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। कारण क्योंकि दोनों ये बराबर होगा तो कैंसिल हो जाता है, क्वेश्चन आसान बन जाता है। अब हमारे पास बच गया n माइनस 4 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 7n और माइनस 30 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 होगा। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30, और यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालने जाते हैं तो n का दो वैल्यू आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक वैल्यू माइनस 3 होगा और दूसरा वाला होगा 10। n का आपने दो मान निकाल लिया, माइनस 3 और 10। सिंस आप जानते हैं जो n होगा वो माइनस 3 तो हो नहीं सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन में n का राइट आंसर क्या होगा तो 10 होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड टाइप के एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, टाइप 2, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विथ डिजिट्स
व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब अब जो हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं वो उसमें क्या देने वाला है कि आपको कुछ डिजिट्स दी जाएंगी और उनके हेल्प से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक नंबर बनाना होगा, और इस कंडीशन में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, इससे आसान बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके आराम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ फोर डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, एक बार मैं हिंदी में समझाता हूँ, अगर आप हिंदी से हैं तो इसको लिख लेंगे। कह रहा है कि कितने नंबर बना सकते हैं, चार अंक वाले कितने संख्या को बना सकते हैं, कौन कौन से अंक यूज़ करने वाले हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 का यूज़ करके आपको बनाना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, संख्या को आप दोहरा नहीं सकते हैं। तो चार अंक का है तो हमने एक सेक्शन बना लिया, टोटल कितने सेक्शन बॉक्स बनाए, कितने सेक्शन से, तो चार अंक का है तो चार सेक्शन हमने बॉक्स में बना लिया। अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स आपको कितनी दी गई है, तो यहाँ आप देखेंगे तो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ध्यान रखिएगा ये नंबर ऑफ डिजिट है, ये नहीं है कि जो नंबर दिया गया, डिजिट दिया गया सबसे बड़ा कौन है, ये नहीं लिखा मैंने, सब जो टोटल नंबर है डिजिट का मैंने वो लिखा है। तो 1 से लेकर 5 तक 5 डिजिट होता है तो हमने 5 लिख दिया, और ये किसकी वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू हो गया एन का। अब देखिएगा कि कितने डिजिट का आपको बनाना है, तो क्वेश्चन कह रहा है 4 डिजिट का बनाना है, ठीक है 4 डिजिट का बनाना है, तो नंबर ऑफ प्लेसेस टू फिल कितने जगह को भरना है, तो 1, 2, 3 और ये 4 जगह को भरना है, तो इसका आंसर हो गया 4, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इस केस में जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आपको पता है कि NPR का फॉर्मूला लगाते हैं, और NPR का फॉर्मूला कितना होता है, तो n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर आने वाला है वो 5PR होगा, क्योंकि n का मान हो गया 5 और r का मान हो गया 4, तो 5P4 होगा। इसको ब्रेक करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 4 मतलब 1 फैक्टोरियल होता है, तो ये कितना बच गया, तो 5 × 4 × 3 × 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 120। मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है, इससे आसान मैथ्स में कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान है। चलिए अब इस पर एक और एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीट नहीं करना है, रिपीट जैसे ही नहीं करना है आपको पता होगा NPR का फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर मतलब सम संख्या, मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ये तो पता ही होगा। अच्छा देखिए कैसे बनाते हैं, 3 डिजिट का है तो हमने यहाँ बना दिया 3 सेक्शन एक बॉक्स में, ठीक। अच्छा इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर जब भी चाहिए, जब आपको सम संख्या चाहिए तो जो संख्या बनाने वाले हैं उसके इकाई स्थान पे सम संख्या आना चाहिए, सम अंक ही आना चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे ही आना चाहिए। अब देखिएगा आपको कौन कौन से डिजिट दिए गए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 6, 7 ध्यान रखिए 5 नहीं है, तो इसमें कितने ऐसे हैं जो इवन डिजिट हैं, सम संख्या को दर्शाते हैं, तो 2, 4 एंड 6 तीन ही है ना, 2, 4 एंड 6 तो वंस प्लेस को इकाई स्थान को भरने के लिए कितने डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, तो 3 है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, और कितने स्थान को भरना है, तो इस 3 के सहायता से हमें सिर्फ पहले इकाई को ही तो भरना है ना, इसलिए यहाँ पे r का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे जो टोटल रिक्वायर्ड नंबर मिलने वाला है वो NPR के फॉर्मूला से 3P1 मिलेगा, क्योंकि n का मान 3 हो गया है, r का मान 1 हो गया है। इसको ब्रेक करेंगे तो 3 फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हमने 2 फैक्टोरियल लिख दिया, इंटू 3 बटा 2 फैक्टोरियल घट के आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया टोटल 3। ये क्या आया, ये 3 आया कि आप यूनिट प्लेस को, इकाई स्थान को इस 3 तरीके से फिल कर सकते थे, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आधा हुआ है। अभी हमारे पास 2 और प्लेस बचे हुए, एक टेंस वाला और दूसरा थाउजेंड्स वाला, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे फिल कर सकते हैं, अब देखते हैं, सॉरी 100 वाला, अब देखते हैं कि ये दोनों के लिए रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। अब देखिएगा
कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स हैं, आपको टोटल कितना दिया गया था, तो 6 डिजिट दिया गया था, 1 2 3 4 6 7, 6 डिजिट दिया गया था। अब इसमें से आपने एक का तो यूज़ कर लिया इकाई स्थान को भरने के लिए, यहाँ पे एक का तो कोई इस्तेमाल हो गया है, तो टोटल कितना बच गया है, तो हमारे पास 5 बच गया है, मतलब n का मान हो गया 5। और कितने जगह को भरना है इस 5 का यूज़ करके, तो टोटल 2 जगह को, एक 10th वाला, दूसरा 100th वाले को फिल करना है आपको, मतलब r का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर 5p2npr का फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे तो 5 factorial / 5 - 2 factorial, मैंने कहा था छोटे वाले फैक्टोरियल के टर्म में तोड़ते हैं, तो 5 - 2 factorial मतलब 3 factorial हो गया, और 5 factorial को हमने 3 factorial × 4 × 5 लिख दिया। अब ये 3 से 3 factorial कैंसिल हो गया, तो बच के क्या, 20। अच्छा देखिएगा, इस दोनों प्लेस को आप 20 तरीका से फिल कर सकते थे, और पहले वाले को आपने 3 तरीका से फिल करने का निकाल रखा है, तो टोटल कितने तरीका हो गया, तो 3 × 20 = 60 टोटल वेज आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स यहाँ आ सकते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम इस थ्योरम पे Type 3 और Type 4 के एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप NCERT का 7.3 पूरा बना सकते हैं। कल का लेक्चर सुबह 9 बजे अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।